देखो बेटा, हमारा जो यूनिट चला हुआ है 9th यूनिट बेटा, परफेक्ट गैस इक्वेशन करेंगे आज हम। कई बार देखी है आपने, कई बार इक्वेशन देखी होगी, परफेक्ट गैस इक्वेशन आप कई बार यूज करते हो। पीवी बराबर क्या होता है बेटा? एन आर टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। पी के बेटा प्रेशर, वी के बेटा वॉल्यूम, आर के बेटा गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या बेटा टेम्परेचर। सभी बच्चों को पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर और वॉल्यूम और प्रेशर ये क्या है? गैस के पैरामीटर्स हैं। समझ गए? तो इसका मतलब है आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा? क्या लिखेंगे? एन इक्वेशन, एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बेटा, एन इक्वेशन जो क्या शो कर रही है, या विच गिव्स द, जो क्या देगी बेटा, विच गिव्स द रिलेशन, विच गिव्स द रिलेशनशिप किसके बीच में बेटा? विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ, पैरामीटर ऑफ एन आइडियल गैस, पैरामीटर ऑफ एन आइडियल गैस, पैरामीटर ऑफ एन आइडियल गैस या परफेक्ट गैस इज कॉल्ड, उसका नाम क्या लिखो बेटा? इज कॉल्ड, क्या लिखोगे? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन वो जो होगी बेटा आपकी आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां हम जो है बेटा, ये तो स्टेटमेंट आ गया कि एक बच्चा में ये भी लिख सकता है एन इक्वेशन या ए इक्वेशन, द इक्वेशन विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। भाई आइडियल गैस में प्रेशर में वॉल्यूम में और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, वो एक इक्वेशन शो करेगी। उस इक्वेशन का नाम है बेटा परफेक्ट गैस इक्वेशन। अब इसका प्रूफ करेंगे बेटा। यहां हम लिख देते हैं कि वेयर पी क्या बेटा, वेयर पी इज द प्रेशर, ठीक है बेटा, पी इज द प्रेशर, वी क्या बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस, वी इज द वॉल्यूम, टी क्या बेटा टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर। ये सारी क्या होते हैं बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जिसको आप किस में लेते हो बेटा? कैल्विन में लेते हो। और क्या बेटा? एन क्या बेटा? एन नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, वेरी गुड बेटा। और आर क्या बेटा? यस, गैस कॉन्स्टेंट, दैट इज द गैस कॉन्स्टेंट। और हाँ, ये आपके पांच है बेटा, पांचों जिसमें है चार कोण है बेटे, इन पांच फैक्टर में से चार फैक्टर कौन है? थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स। मैंने बताया था थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन, है ना। तो ये सारे के सारे जो बेटा, आर एक गैस कॉन्स्टेंट है सिर्फ, और चार हो गए, चार हो जाए बेटा आपके, ये आपका क्या है बेटा? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं। तो अब इसका प्रूफ करते हैं बेटा। तो दो तरीके से प्रूफ कराऊंगा मैं आपको, दो तरीके से, आप कोई सा भी जो आपको अच्छा लगते हो उसी से कर लेना। पहले करते हैं बेटा द प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस। तो बेटा यहां लिखेंगे वी नो दैट द प्रेशर, वी नो दैट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, एग्जर्टेड बाय गैस कितना होता है बेटा? पी इज इक्वल टू 1/3 एम बटे में वी इंटू सी स्क्वायर। ओके बेटा, ठीक है, चलिए इन्हें ले जाओ इधर। पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर, 1/3 और m, क्या ये कॉन्स्टेंट? क्या है ये कॉन्स्टेंट है। और जब कॉन्स्टेंट हटा कर के अलग अगर है डायरेक्टली, तो क्या बन जाएगा? पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। लेकिन सी स्क्वायर खुद किसके डायरेक्टली है? टेम्परेचर के। तो बेटा यू क्या बन गया? पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बेटा इन हटाना इधर, तो ये आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, या फिर किसके लिए कर रहे हैं हम? गैस के लिए कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। तो इसका नाम बन जाएगा आइडियल गैस कॉन्स्टेंट, आइडियल गैस कॉन्स्टेंट या गैस कॉन्स्टेंट बेटा। तो आर जो है बेटा, यहां आर क्या लिखे बेटा? आर क्या बेटा?
क्या है? गैस कॉन्स्टेंट। क्या बेटा वो गैस कॉन्स्टेंट है। वेयर आर इज द गैस कॉन्स्टेंट? ये किसके लिए है? एक मोल के लिए। किसके लिए है? एक मोल। एन मोल के लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन? एन मोल के लिए बेटा क्या बन जाएगी इक्वेशन? या फॉर एन मोल, फॉर एन मोल्स, ये एक मोल के लिए बेटा, यहां एन आ जाएगा तो क्या होगा? पीवी बराबर है एन आर टी। ये प्रूफ हो गया बेटा, आ गया प्रूफ। आगे अब चलते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड बेटा बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ क्या था बेटा? क्या बोला था मैं कि V डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P था ना? एक। दूसरा चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ क्या था बेटा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। और एवोगाड्रोस, एवोगाड्रोस जो था बेटा, एवोगाड्रोस जो ने वो जो दिया था बेटा एवोगाड्रोस लॉ, उसने क्या कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, एनटीपी लिखा था ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वे सभी गैस का टेम्परेचर प्रेशर इक्वल कर दे और वॉल्यूम सेम हो तो नंबर ऑफ क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? इक्वल। इट मीन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इन सभी को क्या कर दो? क्या है इसका मतलब? वी किसके डायरेक्टली है? वी इसके, वी इसके, तो ऑल दिस कंबाइन करो। जब हम इनको कंबाइन करेंगे, कंबाइंड ऑल दिस, जब सभी को ऑल दिस इन सब को करेंगे बेटा तो वी क्या हो गया बेटा? अरे भाई ऊपर टी एन और नीचे पी, इनाटा हो गया तो क्या लगेगा? कॉन्स्टेंट लग गया, तो वो कॉन्स्टेंट कौन है? आर। तो क्या होगा? एन आर टी बटे में पी, पी इन्होंने जो बेटा इधर है तो क्या बन गया? पी वी बराबर है एन आर टी आ गया, पी वी बराबर एन आर टी आ गया। ठीक है बेटा, किसी भी नियम से कर दो, डोंट वरी, कोई भी मेथड से कर दो आप। और बेटा ये तो बोल्ड मेथड से करिए, बच्चा चाहे 10 मेथड से कर दे, एक्यूरेट होना चाहिए, ओके होना चाहिए। ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस, अपना कंसेप्ट, अपनी नॉलेज यूज करनी है आप लोगों ने। तो ये था बेटा आपका जो है परफेक्ट गैस क्या होती है और परफेक्ट